तो गाइज आप लोगों ने ऐसे ऐसे बहुत सारे हे व्हाट्सएप भाई दोस्तों, आपका इस न्यू एक्साइटेड वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जो वीडियो आपने स्टार्टिंग में देखी तो आपको ये लड़का टिकटॉक पर दिखा होगा, तो ये स्नैक इफेक्ट डाल के अपनी वीडियो को बहुत ही ज़्यादा वायरल करता है और इसकी वीडियो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव लगती है क्योंकि ये इफेक्ट बहुत ही न्यू है। दोस्तों आज हम जानेंगे कि हम अपनी वीडियो पर इस तरह के इफेक्ट सेम टू सेम कैसे दे सकते हैं। तो वीडियो में एक ट्विस्ट आने वाला, तो क्या ट्विस्ट आने वाला है तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। जो एप्लीकेशन है वो एक चाइनीज़ एप्लीकेशन जिसकी मदद से ये वीडियो बनती है, तो ये आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा क्योंकि इसका नाम ही बहुत ही अलग सा है। दोस्तों मैं इस एप्लीकेशन लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आपको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना। उसके बाद सिंपली आपको करना क्या होगा, इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं आपको सबसे पहले करना क्या होगा। यहां पे दोस्तों आपको एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा जहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी और यहां से आपको अपनी वीडियो को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप मूवली इफेक्ट लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो बस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रेड कलर का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। दोस्तों कुछ इस आपकी वीडियो यहाँ पर आ जाएगी। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको अपनी ये वाली वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। इस पर कोई इफेक्ट नहीं लगा, तो आप कहीं बोलो कि इस पर इफेक्ट लगा, तो दोस्तों मैं इसी की वीडियो को डाउनलोड करके इसी पर ही लगा के दिखाऊंगा। तो सेम टू सेम इस तरह की वीडियो बना के दिखाऊंगा। दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर आप अगर आप अपनी वीडियो का इस तरह लेके आएंगे तो यहाँ पर इस वीडियो का जो कि इस एप्लीकेशन का यहाँ पर एक वाटर मार्क आ जाएगा, आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसको डिलीट करना है। कैसे डिलीट करना है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना जो इसका वाटर मार्क है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक डिलीट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करके सबसे पहले इसको डिलीट कर देना है। दोस्तों अब आपको करना क्या होगा, सिंपली यहाँ पर आपको एक सीजर का निशान दिख रहा होगा सबसे पहले पहले वाले पर। अब आपको करना क्या है दोस्तों, वीडियो को उस पॉइंट पर जाना है जहाँ से आप इफेक्ट लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हम इस वीडियो पर यहाँ से इफेक्ट लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सीजर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे सीजर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा, जिससे क्या होगा ये दो भागों में बढ़ जाएगी, यानी स्प्लिट एट प्लेहेड, इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों करना है क्या, दोबारा से वीडियो को आगे करना है और वहाँ तक लेके जाना है जहाँ तक आप लगाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ तक एक इफेक्ट लगाना चाहता हूँ। दोबारा से दोस्तों आपको सीजर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और दोबारा से यहाँ पर एक कट लगा देना है, वही पहले पहले ऑप्शन पर क्लिक करके। दोस्तों हम यहाँ पर एक फटाफट से लगा देते हैं। अब दोस्तों करना है कि दोस्तों दोबारा से वीडियो को आगे करना है और यहाँ पर मैं एक इफेक्ट लगाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर भी एक कट लगा देता हूँ फटाफट से। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी वीडियो अब तीन चार भागों में बट गई, आप देख सकते हैं। अब आपको करना क्या होगा, सिंपली यहाँ पर इफेक्ट लगाना है, तो हमको यहाँ पर इफेक्ट लगाना है तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा छवें नंबर पर स्टार वाला, तो आपको इस पर क्लिक करना है। ये इफेक्ट्स वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये वाला कुछ इस तरह का ये वाला ऑप्शन है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी लोडिंग लेगा, यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट्स आ जाएंगे। तो दोस्तों आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट मिल जाते हैं। दोस्तों आपको करना क्या, वो पिंक वाला इफेक्ट देना है सबसे पहले, वो ये वाला इफेक्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है, ये बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद सिंपली यहाँ पर क्लिक करना, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इफेक्ट कुछ इस तरह से लग गया है। उसको मैं यहाँ पर टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो हम यहाँ पर टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों करना क्या, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कट है वहाँ तक हमको यहाँ पर इफेक्ट को लेके आना है, तो यहाँ पे इसको पकड़ के आपको यहाँ तक लेके आना होगा। तो हम यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ से छोटा कर देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ तक ये वाला जहाँ पर हमने कट लगाया था ये वाला इफेक्ट लग गया है। अब दोस्तों आपको करना है कि दूसरी वीडियो को सिलेक्ट करना है, अब हमको यहाँ पर इफेक्ट लगाना है, तो दोबारा से आपको स्टार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ये वाले। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना होगा, यहाँ पर आपको एक और इफेक्ट मिल जाएगा, वो ब्लैक वाला, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इफेक्ट चल रहे होते हैं, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये वाला इफेक्ट आप देख सकते हैं, आपको मैं यहाँ पर क्लिक करके दिखा देता हूँ, ये वाला इफेक्ट लग गया। तो यहीं पे भी दोबारा से टिक के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको भी लगा देना है। दोस्तों जितना हो सके मैं उतना बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों उसके बाद सिंपली करना क्या होगा, दोबारा से इसको यहाँ से इस वहाँ अपने कट तक लेके आ देना, इसको यहाँ से पकड़ कर यहाँ तक लेके आ देना। दोस्तों आपको हमको लास्ट में ओबला लाइटिंग वाला इफेक्ट देना है, तो कहाँ से देंगे, सबसे पहले इस वीडियो पर क्लिक करना है, दो बार क्लिक करना है। दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे दोबारा से स्टार का ऑप्शन नीचे आ जाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर चौथे नंबर पर आ जाना है। दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, हम दोबारा से चल जाते हैं। दोस्तों सॉरी, बैक के ऑप्शन पर क्लिक हो गया। तो यहाँ पर हमको चौथे नंबर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक और नीचे की ओर जाना होगा। दोस्तों ओवला इफेक्ट आपको दिख जाएगा, दोस्तों यहाँ पर आपको ओवला इफेक्ट मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों कुछ इस तरह का ओवला इफेक्ट है, यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, तो हमको सिंपली ओवला इफेक्ट को चूज़ कर लेना है।
इसको इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला इफेक्ट लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे टिक के ऑप्शन पर क्लिक करके ये वाला इफेक्ट भी लगा देना है। तो हमको यहाँ तक लगाना, आप जितना चाहे बड़ा करने को उतना बड़ा कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो एक तरह से तैयार हो चुकी है, आपको इस तरह से इफेक्ट को लगा देना। उसके बाद मैं आपको एक बार वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ कि हमारी वीडियो कैसे लग रही है। दोस्तों आपकी वीडियो कुछ इस तरह से दिखने वाली, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे इफेक्ट लग चुके हैं, सेम टू सेम उसी तरह की वीडियो बनाना सिखा दिया दोस्तों, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखी थी। दोस्तों आप इसको जितना चाहे छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितने इफेक्ट लगाना चाहिए। उसके बाद सिंपली सेव करने के लिए गैलरी में करना क्या होगा, यहाँ पे आपको ऊपर रेड बॉक्स सा बना हुआ, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपको सेव का ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना आप जितने में सेव करना चाहते हैं, 720 180, तो मैं इसको 1080 पर ही सिलेक्ट करूँगा क्योंकि ये फुल HD है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके इसको अपनी गैलरी में सेव कर देना है, या इस तरह से लोडिंग लेगा और आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा और इस एप्लीकेशन को ढूंढने में उससे भी ज़्यादा मेहनत लगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो मिल जाती है सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।